नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्रा में। मित्रों, आज मैं आपको फिर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जिसका प्रभाव हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा रहता है उसके विषय में बात करने वाला हूं। मित्रों, हमने राहु की दशा, शुक्र की दशा, शनि की दशा, केतु की दशा, ऐसे करके बड़े सारे ग्रहों की दशा पे वीडियो बनाए जिस पे आपका बहुत स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उसके लिए हृदय से धन्यवाद, आभार। मित्रों, आज मैं आपको लग्नेश की दशा का फल बताऊंगा। मित्रों, लगन हमारे जीवन के समस्त कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो हमारी लगन से जुड़ा हुआ ना हो। हमारे सभी रिश्ते नाते, हमारे संघर्ष, हमारी खुशियां, हमारी मुस्कुराहट, हमारी सफलता असफलता, दुख सुख, वो पूर्णता हमारे लगन लगनेश से संबंधित रहती है। मित्रों, लगन हमारी पर्सनैलिटी, हमारे कलर, क्रीड और हमारे पूरे लुक्स, सभी चीज़ों को, हमारे बैकग्राउंड को, हमारे लर्निंग एबिलिटीज़ को और हमारे सभी प्रकार के किसी भी प्रकार के कार्यों में अगर हम जोड़ना चाहें तो वो जुड़ता है। हमारी मेमोरीज, जो हम पूरे जीवन में सब कुछ इकट्ठा करते हैं, जो कहीं और बाहर नहीं होता, वो हमारे लगन के अंदर स्टोर होता रहता है। तो मित्रों, इतना महत्वपूर्ण एक भाव जो हमारे जीवन के सभी भावों से, सभी ग्रहों से पॉजिटिव या नेगेटिव रूप में जुड़ा हुआ है। मेरे जीवन के समस्त सुख मुझे कब कैसे प्राप्त होंगे, मेरे जीवन में कब असफलता, दुख, पीड़ा, संघर्ष, रोग इत्यादि, धोखा, मित्रता, सभी को हम लगन के साथ अन्य भावों के जोड़ने से देखते हैं। मित्रों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कर्क एवं सिंह राशि जिन पे चंद्रमा एवं सूर्य का अधिकार है, इनको छोड़ के अन्य पांचों ग्रह अर्थात मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सभी दो दो राशियों पर अधिकार रखते हैं। तो लगन पर कौन सी राशि आई है वो हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को आइडेंटिफाई करती है, हमारे जीवन के सभी बड़े बड़े निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने के ऊपर जो हमारा इमोशनल या प्रैक्टिकल या एग्रेसिव या मूवमेंट वाला कैसा संदर्भ रहेगा, ये हमारी लगन बताती है। इसके साथ साथ ये लगन हमारी सफलता के लिए लड़ने की क्षमता को भी बताती है। अगर किसी कुंडली में लगन शुभ कत्री अथवा पाप कत्री हो तो उसमें रिजल्ट्स कंप्लीटली बदल जाएंगे। इसी तरह लगन पे पड़ने वाली दृष्टियां एवं जो लगन है वहां पर बैठने वाले ग्रह भी हमारी पर्सनालिटी, हमारे जीवन के हर कार्य में हमारे को करने के तरीके को डिफाइन करते हैं कि हम कौन सा कार्य क्यों, कब और कैसे करेंगे। शनि जैसा ग्रह हमें गंभीरता देगा, हमें स्लो डाउन करेगा, हमें धीरे धीरे सोच समझ के चलने की आदत देगा। हमारी पर्सनालिटी में भी, लुक्स में भी वो हमारे को अपने कारक तत्वों के आधार पर बदलेगा। इसी प्रकार से किसी भी कुंडली में बुध जैसा ग्रह लगन में बैठा हो तो वहाँ पर वो व्यक्ति अपनी आयु से छोटा दिखाई देता है, अपने परिवार और अपने आसपास के वातावरण के अनुसार। इसी तरह सूर्य जैसा ग्रह जो है जब लगन में बैठता है तो उदारता देता है, लेकिन ये मित्र होकर बैठे हैं या शत्रु होकर बैठे हैं अथवा अपनी राशि में बैठे हैं, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं कि उच्च राशि में बैठे हैं कि नीच राशि में बैठे हैं, ये सभी चीज़ों पे हमें गंभीरता से विचार करने के बाद ही आगे विचार करना चाहिए कि रिजल्ट्स किस प्रकार के आने वाले हैं। मित्रों, मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया है कि जब भी हम किसी भी कुंडली के भाव, राशि, ग्रह की बात करें, उसकी स्ट्रेंथ निकाल लिया, इसी तरह हमें लगन लग्नेश की स्ट्रेंथ निकाल लेनी चाहिए और ये देख लेना चाहिए कि कहीं वो एक भाव
अच्छा और एक भाव खराब तो नहीं आ रहा। जैसे कि हम जानते ही हैं कि मेष लगन में मंगल का एक भाव तो लगन में आता है, दूसरा अष्टम में आता है, तो इसमें दोनों प्रकार की क्वालिटीज़ मंगल लेके आएगा, यानी कि प्रथम भाव की भी और अष्टम भाव की भी। अब अष्टम को सिर्फ बुरा मान लेना या उसकी उससे हमें हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढ लेना, ये गलत है। अक्सर अष्टम का सही प्रयोग करने पर आप बहुत ही बढ़िया रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसी तरह आप कभी भी देखेंगे कि वृश्चिक लग्न में मंगल फिर लग्नेश और षष्ठेश हो जाता है, इसी तरह तुला लग्न और वृष लग्न में भी यही रहता है। मित्रों, इसके साथ साथ मकर लग्न में शनि लग्नेश एवं बारहवें भाव का स्वामी हो जाता है, अर्थात एक शुभ भाव और एक अशुभ भाव जुड़ गया। अर्थात लगन के साथ इस प्रकार के संबंध बनने पर उस स्थिति में उनमें दोनों प्रकार के गुण हैं। मित्रों, एक आपने और संदर्भ सुना होगा, केंद्रपति दोष। मित्रों, अर्थात चंद्रमा, शुक्र, बुध एवं गुरु, इनको हम शुभ ग्रह कहते हैं। अगर ये केंद्र के स्वामी होते हैं और इन्हें केंद्रपति दोष लग जाता है। केंद्रपति दोष कैसा होता है, उसके क्या अर्थ होते हैं, मैं इसको अलग से किसी एक दिन वीडियो में बताऊंगा आपको, उससे किस किस प्रकार की लाभ या हानि होती है। अब ये केंद्रपति दोष वाला प्लैनेट, यानी कि अगर देखें तो कहीं ना कहीं हमने अभी शुक्र की बात करी तो शुक्र की दोनों राशियों पे केंद्रपति दोष लग जाएगा, इसी तरह से हमने वृश्चिक राशि की बात करी और मेष राशि की बात करी तब भी केंद्रपति दोष लगेगा, मकर राशि में भी केंद्रपति दोष चंद्रमा को सप्तम भाव का लग जाएगा, जबकि वो लग्नेश नहीं है। लेकिन जहाँ पर ये लग्नेश होते हैं अर्थात कर्क राशि, केंद्रपति दोष मिथुन राशि, कन्या राशि, केंद्रपति दोष लग गया। इसी तरह से आप देखेंगे कि शुक्र की दोनों राशियों में भी केंद्रपति दोष लगेगा और साथ ही साथ गुरु की दोनों लग्नों में भी केंद्रपति दोष लगेगा। तो इनमें एक और प्रकार का गुण भी सम्मिलित हो गया, जिसका प्रभाव हमारे रिजल्ट्स के टाइम पे हमें कैलकुलेशन में कंसिडर करना ही चाहिए। तो मित्रों, लग्नेश हमारे सभी समस्त कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ और सर्व उपयोगी है, क्योंकि केंद्र एवं त्रिकोण का स्वामी होने के कारण से उसकी स्ट्रेंथ सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब वो दो हाउसेज में से एक नेगेटिव हाउस का स्वामी भी होता है तो अर्थात वो वैसी क्वालिटी लेकर, अब वो कहाँ बैठ गया है, लग्नेश का नीच हो जाना, लग्नेश का वीक हो जाना, शत्रु राशि में जाकर बैठ जाना और पाप प्रभाव में आना हमें संघर्ष, अंतहीन संघर्ष तक को दिखाता है। समस्याएं आएंगी, एक के बाद एक आएंगी, एक के बाद एक आएंगी, वो आपके लिए अंतहीन चलती रहेंगी। वो आपको कभी भी एक समस्या से बाहर निकलते ही दूसरी समस्या की तरफ धकेल देंगी। अब ऐसे में लग्नेश पे शुभ भावों के स्वामियों की दृष्टि है तो समाधान भी मिलेगा, अन्यथा समाधान बहुत कम मात्रा में मिलेगा, संघर्ष अधिक मात्रा में होगा। तो इन सभी चीज़ों का सम्मिश्रण करने के बाद अगेन हम यहाँ एक बारी लगन और लग्नेश की स्ट्रेंथ को निकाल कर ही उस निर्णय तक पहुँच सकते हैं कि वो हमारे जीवन में दशा अंतर दशा में किस प्रकार के फल देने वाला है। ये स्वास्थ्य संबंधित, जीवन के सुख दुख, धन धान्य, पैसा, सफलता, वैवाहिक जीवन, मित्रता आदि, व्यापार, व्यवसाय और समाज में हमारी प्रतिष्ठा, ये सभी प्रकार की चीज़ों में सुख और दुख को इंगित करता है। ये बताता है कि हमारी किस प्रकार की जो है प्लैनेट की देने की क्षमता है और वो क्या प्रभाव एग्जैक्टली लेकर हमें दे रहा है। मित्रों, ऐसे में जब जब ग्रह वीक होगा जीवन संघर्ष में रहेगा, मध्यम होगा तो हम मध्यम जीवन जीते रहेंगे,
और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आएंगी, समाधान हो जाएगा। वीक होने पर वो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हमारे लिए बहुत कष्ट का भी समय बना सकती हैं। और अच्छा होने पर, सभी प्रकार के शुभ प्रभाव लेने पर, हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारे जीवन के कष्ट आने वाले हैं, उन्हें झेलने की क्षमता हमारे में ज़्यादा होगी। और वो कब आएंगे, कब चले जाएंगे, हमें याद ही नहीं रहेगा, हम भूल जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलने वाला, और हम सहजता से उन सभी चीज़ों को बहुत खुशी खुशी झेल जाएंगे। तो मित्रों, लग्नेश की दशा बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी कैलकुलेशन करने का तरीका भी आसान लेकिन थोड़ा सा लेंदी होने के कारण से बहुत उपयोगी है। हमें हमेशा पूर्ण रूप से एक एक समग्र चीज़ों पे विचार करने के बाद ही किसी चीज़ पे कंक्लूजन पे आ जाना चाहिए। अक्सर मुझे लोग किसी एक प्लैनेट विशेष के बारे में बोलते हैं कि फलाना प्लैनेट, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, हम सामान्य फल तो कहीं पर भी बता सकते हैं, लेकिन अन्य प्रभावों का, यानी दृष्टियों का, युति का, योग का और स्वामित्व का, ये सभी चीज़ों को देखने के बाद ही हमें बोलना चाहिए। अगर हम कभी बगैर समस्त चीज़ों पे विचार किए हुए कोई भी निर्णय पे पहुँचेंगे, वो निर्णय अक्सर गलत हो सकता है। तो मेरी बात को आप आशा है समझ जाएंगे और इस विषय को आगे से कभी भी पूर्ण रूप से ही प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, मैं एक बहुत जल्दी ही एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन रहेगी जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। आशा है वो भी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।